कैसे हैं आप लोग? एमी समाचारम। सो ग्रोसरी के कुछ कुछ वर्ड्स को हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था और कुछ कुछ वर्ड्स आज लेकर आए हैं। सो फर्स्ट वर्ड है तेल। तेल को क्या बोलते हैं? ऑयल। तेल को तेलुगु में, इंग्लिश में ऑयल बोलते हैं, तेलुगु में नूने बोलते हैं। नूने चाहे कोई किसी भी चीज का तेल हो, जैसे कोकोनट ऑयल हो तो कोबर इन्होंने बोलते हैं, ग्राउंडनट ऑयल हो तो वेरुशनग नूने बोलते हैं, उस तरह नूने ऑयल। सो हमको बड़ी और सब वर्ड भी आगे लेकर आएंगे, ऐसे आप कोकोनट नूने ऐसे बोल सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल के जगह पे नूने अगर नहीं आ रहा है तो। तो तेल देख के मुझे एक जोक याद आया। एक बार एक दोस्त मुझसे पूछा था कहाँ जा रहा है, बाहर उतना जाते नहीं थे पहले, तो दोस्त पूछा था कहाँ जा रहा है, मैं बोला तेल खरीदने, तू कहाँ जा रहा है, वो बोला तेल बेचने। सो नेक्स्ट है चावल। चावल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइस। सो राइस को तेलुगु में क्या बोलते हैं? बीयम। बीयम। राइस को तेलुगु में बीयम बोलते हैं। जैसे मुझे और थोड़ा चावल चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? ना कोई इनकंचम अन्नम का वाले, क्योंकि पका हुआ चावल को अन्नम बोलते हैं, ये रॉ राइस है, रॉ राइस को बीयम बोलते हैं। अगर रॉ राइस ही थोड़ा और चाहिए तो इनकंचम बीयम इवंडी। बेसिकली इनकंचम ये थोड़ा थोड़ा राइस थोड़ी मांगते हैं, जाते हैं तो किलोस में राइस मांगते हैं ना, नहीं तो बैग्स में राइस मांगते हैं, तो ओके बैग राइस इवंडी, नहीं तो 50 50 किलो का राइस मांगना है तो या भाई केजीएल राइस इवंडी, ऐसे बोलते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं गेहूं। गेहूं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीट। वीट तो उसको तेलुगु में बोलते हैं गोधुमलु। सो नेक्स्ट देखते हैं दाल। दाल को हिंदी में भी दाल ही बोलते हैं, इसलिए हम हिंदी नहीं रखे हैं, तो उसको तेलुगु में बोलते हैं पप्पू। इंग्लिश में भी वही बोलते हैं पप्पू, मतलब ओ वाला पप्पू नहीं, सोचिए पप्पू पास हो गया, ओ वाला पप्पू नहीं है, बेसिकली दाल को पप्पू बोलते हैं, और दाल से जो दाल बना के खाते हैं उसको भी पप्पू ही बोलते हैं। पप्पू पास हो गया नहीं, पप्पू खाने वाला है दाल। सो नेक्स्ट है आटा। आटा को क्या बोलते हैं? फ्लोर। आटा को फ्लोर बोलते हैं और तेलुगु में पिंडी। पिंडी। पिंडी तो अभी जो राइस देखे हैं उसका आटा चाहिए, तो क्या बोलते हैं? बीएम पिंडी। बीएम पिंडी राइस के आटा को बोलेंगे। गेहूं के आटे को गोधुमा पिंडी। गोधुमा पिंडी। गोधुमलू जो बोले हैं ग्रेन को एज अ होल बोलते हैं, उसके रिलेटेड कुछ बोलना है तो गोधुमा पिंडी। सो नेक्स्ट है चीनी। चीनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चाइनीज। सो वो चीनी नहीं है, ये खाने वाला ग्रोसरी आइटम है। सो चीनी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शुगर। सुगर। शुगर बोलते हैं। तो तेलुगु में दो वर्ड्स यूज करते हैं, पंचदारा चक्केरा। किसी जगह पंचदारा बोलते हैं, किसी जगह चक्केरा बोलते हैं। चक्केरा शक्करा नहीं है, चक्केरा है। हाँ हिंदी का शर्करा शक्कर शक्कर वर्ड से आया है, वो एक्चुअल संस्कृत वर्ड है शर्करा, तो उससे चक्करा आया है। चक्करा। सो नेक्स्ट है नमक। बहुत यूजफुल चीज है, वेजिटेबल बनाए दाल बनाए सॉल्ट नहीं रहा तो कोई टेस्ट नहीं आने वाला। इसके बारे में एक सेइंग भी है तेलुगु में, उप्पु लेनी कोरा उप्पु लेनी कूरा उप्पदु रुचुलकु। उप्पु लेनी कूरा मतलब जिस सब्जी में नमक नहीं रहता है, उपद रुचु लगो मतलब टेस्ट नहीं आता है। सो नेक्स्ट है तेलुगु, इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं, तेलुगु में उप्पु बोलते हैं। उप्पु। सो चाय। चाय को क्या बोलते हैं? टी। तेलुगु में भी टी ही बोलते हैं। ऐसे तो जब टी को पानी में उबाल के पीते हैं उसको तेनीरू बोलते हैं, लेकिन ऐसे तो सब टी ही बोलते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं दही। दही को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? योगर्ट। कर्ड भी बोलते हैं, योगर्ट भी बोलते हैं, जो सेट कर्ड रहता है उसको योगर्ट बोलते हैं, और उसको तेलुगु में बोलते हैं पेरुगु। वही सेट कर्ड के बारे में बोलना है तो गड्डा पेरुगु, गड्डा मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग, गड्डा पेरुगु, तो योगर्ट दही को पेरुगु बोलते हैं। कर्ड। सो नेक्स्ट है छाछ। कर्ड में पानी मिला दो, कर्ड में पानी और मिला दीजिए और थोड़ा सॉल्ट रख दीजिए, सो बटर मिल्क हो जाएगा, उसको तेलुगु में बोलते हैं मज्जिगा।
मिल्क से नहीं बना है, ये दही से ही बना है, बटर मिल्क. सो छाछ, छाछ को तेलुगु में क्या बोलते हैं? मज्जीगा. मज्जीगा कैसा लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और भी कोई वर्ड्स आपको जानना है तो उसको भी कमेंट में लिखिए, और कैसा लगा जरूर बताइए. सब्सक्राइब कीजिए लवली स्पीक्स चैनल को अगर नए हैं तो. थैंक यू. और किसी को तेलुगु, हिंदी या इंग्लिश सीखना है तो उसको शेयर भी कर दीजिए.